आज हम लोग गोगामेडी हत्याकांड में घायल हुए हेमराज सोहेल और राजसमंद के देवगढ़ गांव के अंदर एक मोहनलाल जी खटीक की निर्से हत्या की गई। मोहनलाल जी खटीक के लगभग एक महीने के आसपास होने आगे, लेकिन उनके हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो इसके लिए हमने उन लोग दोनों परिवारों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सरकार से सहायता के लिए अभी हमने ये धरना दे रहे हैं। हम कई बार कई स्तरों पर इस विषय को लेकर के गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पे किसी तरह का कोई काम सरकार ने हमारे लिए किया नहीं। इसलिए पूरा खटीक समाज राजस्थान इस पर आंदोलित है और हम चाह रहे हैं कि सरकार से कि हमारी मांगों पर उचित ध्यान दे करके हमें अनुग्रहित करें। अभी तक हम लोग वैसे व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन और परिवेदना के रूप से हम लोग महामहिम गवर्नर साहब से मिले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी हेमराज सोहेल के बारे में लेकर के मिले हैं, और एक बार हम लोग कल मुख्यमंत्री के सीएम ऑफिस में भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा न तो हमको कुछ बताया गया और उसके बारे में कोई अभी तक निर्णय नहीं किया गया। इसलिए हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं। 19/12/2023 को मेरे पिताजी की निर्मलपुर हत्या कर आँख फोड़ गर्दन मरोड़ के किसान की हत्या कर दी गई और उनको कुआं में डाल दिया गया। मेरी माँ को भी मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया गया। हाथ फ्रैक्चर, सिर में चोट आई 10 टाँका है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है। इसलिए हम ये मांग लेके आए हैं कि वो हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाए और जो हमारे समाज की जो मांगे हैं वो समाज को पूरी की जाए और हमारे को और हमारे खटीक समाज को न्याय दिलाया जाए। इस हिसाब से हम आए और हम दहशत के छाए में जी रहे हैं, वहाँ पर डर के माहौल में जी रहे हैं। तो हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा हो जाए। तो इस हिसाब से हम इधर आए हैं, तो हम ये आशा से इधर जयपुर पधारे तो हमारे जल्दी मांगे पूरी की जाए। घर से बस यही मांग है कि वो जितना जल्दी हो सके आर्थिक सहायता में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हमारे पापा थे कमाने वाले और अभी वो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अभी हमारे घर का खर्च भी निकाल सके। तो बस सरकार से यही मांग है कि वो जितना जल्दी हो सके हमारी तरफ ध्यान दे और हमारी मांगे पूरी करे। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर रवि महिंद्रा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और हम समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे ही हमें ये पता चला कि राजस्थान के अंदर मोहनलाल जी और हेमराज जी के परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, हमारी टीम दिल्ली से चल के आई है। हमारे साथ एडवोकेट दिलीप बागवार जी भी आए हैं, छात्र नेता अरविंद मेवलीवाल जी भी आए हैं। तो आप इस पूरे मामले को जब देखते हैं तो सरकार का जो रवैया है वो किसी भी रूप से न्यायपूर्ण नहीं है। एक तरफ जो गोगामेडी जी है उनको शहीद का दर्जा देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस मामले के जो चश्मदीद गवाह हैं उनको अभी तक किसी भी रूप से सरकार ने या प्रशासन ने उनके परिवार का, वो पिछले काफ़ी दिनों से एसपी से मिले हैं, डीसी से मिले हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि हेमराज जी के परिवार को, और वो एक तरीके से विकलांग हो गए हैं, तो सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा जो मुद्दा है जो मोहनलाल जी का है, आप इसको, इस मुद्दे को जब आप देखेंगे, गहराई में जाके देखेंगे, तो इस देश के अंदर ये मानसिकता है आज भी कि गरीब परिवार का व्यक्ति, दलित परिवार का व्यक्ति अगर अच्छे से जीना चाहता है, सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो आज भी इस देश के लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। क्या संविधान में अधिकार नहीं दिया गया है कि एक दलित परिवार का बेटा, एक दलित व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके? तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, मैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और गवर्नर साहब को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो। अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पे हम लोग सड़कों पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि मोहनलाल जी के जो हत्यारे हैं उनको एक सप्ताह के नोटिस पे गिरफ्तार किया जाए और उसी तरीके से जो हेमराज जी हैं उनकी बेटियाँ जो हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रशासन के किसी भी तरीके से प्रशासन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि दोनों परिवारों को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक बड़ा आंदोलन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा।